गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक शर्मा। तो बेटा कल हमने पढ़ा था जो डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, उसकी थीम के बारे में हमने पढ़ा था। वी स्टडीड अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। टुडे वी विल स्टडी द समरी। आफ्टर रीडिंग समरी, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ते नो इशू, बट समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो समरी ऑफ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ए आर विलियम्स इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। I told you, you have to keep in mind who is the writer, that is A.R. Williams, right? Moreover, this chapter is regarding the last heir of the great Pharaoh dynasty, Tutankhamun. So, Pharaoh means king, Raja. तो ये chapter किसके बारे में है? ये chapter आखिरी उत्तराधिकारी के बारे में है। कौन है वो उत्तराधिकारी? You must keep in mind that उत्तराधिकारी is Tutankhamun. In short, what we call? In short, we call King Tut. So this chapter is about him. He died in his teenage after ruling for 9 years. Just imagine, केवल 9 साल उन्होंने इजिप्ट पे शासन किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और डेथ भी मिस्टीरियस तरीके से हुई, बड़े रहस्यमय तरीके से हुई। His death gave birth to a mystery. This chapter talks about all the possible mysteries. उनकी जो मृत्यु थी, उसने एक जन्म दिया, एक विवाद को, कि आखिर एक इतने छोटे किंग की डेथ हुई तो हुई कैसे? How he died? After that, the curse where his tomb is lying, क्या उनका जो मकबरा था, right? Tomb हम कहते हैं मकबरे को, जहां उनका मकबरा था, क्या उस पर किसी तरह का curse था, कोई अभिशाप था, कोई श्राप लगा हुआ था? So everybody was very much interested to know that how King Tut died. So his whole life and finally his death, everybody wanted to know about his life, what he did, all the mysteries, all the secrets, and most important secret that was about his death. सब जानना चाहते थे कि एक बच्चा जिसने, बच्चा ही कहेंगे, एक बच्चा जिसने 9 साल ही शासन किया, उसकी डेथ आखिर हो कैसे गई? So that was very very important. इसके बाद discovery cook the saga continuous summary will give you all the facts and information about the death. So it is said over here that if you will read the summary, you will know everything about King Tut. Okay? So let's move to the next slide. Tutankhamun, mind you, in short, what is the name? That is King Tut. Tutankhamun was the last leader of the great Pharaoh dynasty. वो dynasty, dynasty मतलब वो वंश जिसने शासन किया था इजिप्ट में, वो उसके आखिरी राजा थे। He was the last king. He was young when he died. जब उनकी डेथ हुई तो वो बहुत यंग थे। यंग मीन्स बहुत छोटे थे, उम्र उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, अपनी टीनेज में थे। टीनेज 13 से 19 साल होता है। According to some people, his death was a murder. There are so many people, they believe that he did not die. बहुत सारे लोग मानते हैं वो मरे नहीं, उनको किसी ने मारा। Somebody murdered him, किसी ने उनकी हत्या की। In the year 1922, his tomb was exposed by Howard Carter. सर 1922 में, ये बात आपको याद रखने की है, 1922 और हार्वर्ड कार्टर, जो हार्वर्ड कार्टर हैं, उन्होंने सन 1922 में उनका जो पूरा का पूरा मकबरा है उसको उन्होंने खंगाल दिया। एन आर्कियोलॉजिस्ट आफ्टर 80 इयर्स, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विभाग के व्यक्ति थे। आफ्टर 80 इयर्स, लगभग 80 साल बाद, ही वाज टेकन फॉर द सीटी स्कैन टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड डेथ। वो जानना चाहते थे कि भाई आखिर हुआ क्या, फाइनली व्हाट हैपेंड टू द King Tut, how he died, what was his life mysteries. So they wanted to know, so that's why they took the body for a CT scan. Okay, so let's move to the next slide. And his father or grandfather, now they are talking about his father and grandfather. Amenhotep III was a very powerful pharaoh. He was also a very very powerful king, ruler over a period of 40 years. उन्होंने लगभग 40 साल शासन किया। कहां पर शासन किया? उन्होंने इजिप्ट में शासन किया। याद रखिए, जो यहां पर एमेंटॉप थर्ड है, वो या तो फादर थे या फिर ग्रैंडफादर। इट इज अ कंफ्यूजन ओवर हियर, ये बात श्योर नहीं बताई गई है। सो एमेंटॉप थर्ड वाज अ वेरी पावरफुल फैरो, रूलर, रूल्ड ओवर, की रूल्ड होना चाहिए, रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। मोरएवर हिज सन एमेंटॉप 4 और उसके बाद उनके बेटे आए, एमेंटॉप 4 succeeded him and initiated the strangest period in the history of Egypt. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अजीब सा ही पीरियड, जो इजिप्ट का पूरा शासन था, जो इतिहास था, उसमें शुरू किया। किसने किया? एमेंटॉप 4 ने।
मतलब किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर हो गए एमेंटॉप थर्ड, और उनके जो बेटे हुए वो हुए एमेंटॉप फोर्थ, उनको इस नाम से बुलाया गया। तो उन्होंने क्या किया, हिज नेम चेंज टू एकेंटन व्हिच मींस सर्वेंट ऑफ एथेंस। उन्होंने अपना नाम रख लिया एकेंटन, जिसका मतलब क्या था, एथेंस में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके वो क्या है, वो उनके सर्वेंट हैं, उनके वो सेवक हैं, उनके लिए वो काम करने वाले हैं। He changed the religious capital from Thebes to Amarna। उस समय इजिप्ट की जो धार्मिक राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी थेब्स, उन्होंने नाम बदल दिया, क्या नाम कर दिया, अमरना कर दिया। जैसे हमारी जो धार्मिक राजधानी है हम क्या मानते हैं, हम में से कुछ लोग अयोध्या को मानते हैं, कुछ लोग मथुरा को मानते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने नाम को बदल दिया। लेटर ही अटैक एमुन, बाद में उन्होंने आक्रमण किया एमुन पर। एमुन कौन है, अ गॉड, एक भगवान है। रुइंड हिज इमेजेस, उनकी सारी की सारी मूर्तियां तोड़वा दी, उनके सारे के सारे जितने भी वहां पर पिक्चर्स लगी थी सब हटवा दी, तो उन्होंने सब उसको तोड़वा दिया। इसके बाद कहते हैं हु डाइड वेरी सून, लेकिन उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई। तुतनखामुन सेट ऑन द पावरफुल पावर एंड रूल्ड फॉर 9 ईयर। इसके बाद कौन आते हैं, हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आते हैं। मेन कैरेक्टर कौन है, किंग टट। व्हाट ही डिड, उसके बाद उन्होंने रूल करना शुरू किया। कहां पर रूल करना शुरू किया, व्हेन टट्स ममीफाइड बॉडी वाज फाउंड। उसके बाद जितने भी लोग हैं, जो प्रोफेसर हार्वर्ड हैं, उनको क्या मिला, किंग टट की बॉडी मिली। कैसी बॉडी मिली, ममीफाइड। अब ममीफाइड क्या होता है, आई जस्ट टोल्ड यू इन अर्लियर लाइफ what the powerful people used to do to preserve the body, it was a very simple process. They all the people used to apply some lotion, we call it resin, English mein isko resin kehte hain, so they used to apply it on the body so it could have been preserved, it was so simple, so nice. To unhone kaha unki body mili, he had lots of gold, body ke sath kya mila, bahut sara sona mila, bahut sari jewelry mili, and wealth, bahut sara dhan mila। कार्टर गॉट हिम आफ्टर सो मेनी इयर्स, और ये बॉडी प्रोफेसर कार्टर को काफी एफर्ट्स करने के बाद मिली थी, काफी कोशिश करने के बाद मिली थी। ही ट्राइड हार्ड एंड फाइनली ही डिस्कवर्ड द बॉडी आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन द ट्रेजर्स। अब जितना भी खजाना था साथ में, उनकी बॉडी के साथ क्या मिला, बहुत सारी ज्वेलरी मिली, कुछ शराब मिली, लिनन के अंडरगारमेंट्स मिले, तो वो जितना भी सामान मिला उन्होंने क्या किया, उसको एग्जामिन किया। He planned to examine his 3 nested boxes. उनके बाद जो किंग टट हैं, उनका जो कॉफिन है, कॉफिन मतलब वो बक्सा जिसके अंदर लाश रखी जाती है, उन्होंने उसको भी एग्जामिन करने का प्लान बनाया। And many parts of the treasures in the tomb were already misplaced. उन्होंने देखा कि उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे जो हिस्से हैं, there are so many things, they are already misplaced. They are not kept well. तो ये उन्होंने उसमें देखा। इसके बाद his tomb was found rock cut 26 feet under the ground. उनका जो टॉम्ब है वो मिला चट्टानों को काटकर। कहाँ मिला? नीचे। लगभग 26 feet नीचे था ग्राउंड के। Which also had some wall paintings. और जब वो नीचे गए तो वहाँ पर कुछ खूबसूरत से वॉल पेंटिंग्स लगी थी। इसके बाद it reveals that he was suppressed in the months of March or April. उनकी जो कॉफिन है, उनकी जो डेड बॉडी है, उनकी जो प्रिजर्व ममी है, आफ्टर सीइंग दिस इट वाज वेरी इजी टू जज दैट इनको जब भी रखा गया होगा यहां पर तो वो महीना कब का था, या तो मार्च का था या अप्रैल का था। वन ऑफ द कॉफिन पुट कार्टर इनटू ट्रबल। जब वहां पर उन्होंने कॉफिन्स को इंस्पेक्शन किया तो कॉफिन से कार्टर साहब प्रॉब्लम में आ गए, थोड़े से कंफ्यूज हो गए। द गम्स यूज्ड टू पेस्ट टट टू द लोएस्ट ऑफ द सॉलिड गोल्ड, वो जिस लोशन से, वो जिस रेसिन से चिपकाया गया था उनकी बॉडी को, किंग की बॉडी को, किंग टट की बॉडी को, तो उन्होंने क्या किया, टफ, इसमें लिखा है कॉफिन वाज टफनिंग एनफ दैट मेड इट इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस। अब वो इतने बुरे तरीके से चिपक गया, इट वाज स्टिकिंग सो बैडली दैट इट वाज ऑलमोस्ट गेटिंग इम्पॉसिबल टू सेपरेट इट, उसको अलग करना इम्पॉसिबल हो रहा था उनके लिए। He put the boxes in the sun for numerous hours. उन्होंने काफी घंटों तक पूरे के पूरे कॉफिन को उसको रखा धूप में, ताकि वो हीट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, एंड मे बी इट लूजन्स, ये लूज हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने जो सोचा वो काम नहीं करा। At last he removed the adhesive with the chisel and hammer. चिजल आप जानते हैं छेनी, हैमर भी नो हथौड़ा। Then with the help of chisel and hammer he had to remove the body. उन्हें बॉडी को अलग करना पड़ा, सेपरेट करना पड़ा। Carter sensed he did not have any other choice than cutting the mummy from limb to limb. Carter की समझ में आ गया
कि भाई इसको हम इतनी आसानी से नहीं हटा सकते. What we will have to do, we will have to cut each and every part of the body. हमको उनके शरीर का एक एक हिस्सा अलग करना होगा. हाथ पहले अलग करेंगे, फिर टांगे अलग करेंगे, फिर सर अलग करेंगे. मतलब एक प्रोसेस they have to follow, but each and every part, एक एक अंग, limb means अंग को अलग करना होगा. Thieves would have robbed the gold and treasures. वो ये भी समझते थे कि हो सकता है चोर आ जाएं, वो क्या करें, कुछ खजाना चुरा लें, जो ज्वेलरी रखी है वो चुरा लें. आपको पता होना चाहिए पुराने जमाने में उस समय ये मान्यता थी कि आप जो भी सामान रख देंगे डेड बॉडी के साथ वो अगले जन्म में काम आएगा. सो दिस वाज अ ट्रेडिशन एंड कस्टम. सो व्हेनेवर समबडी यूज्ड टू डाई, दे यूज्ड टू कीप सम ट्रेजर्स, दे यूज्ड टू कीप गोल्ड, दे यूज्ड टू कीप रेजर्स. इवन द रेजर वाज कैप्ट, एक रेजर भी रखा गया था उनके लिए. लिनन के अंडर गारमेंट्स वो पहनते थे तो वो भी रखे गए. तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी चोरी हो सकती है. His man first removed the head of the mummy. ये पॉइंट आपको याद करने वाला है कि जब सबसे पहले उनके अंगों को अलग किया गया तो सबसे पहले हेड को अलग किया गया. Then they cut off each and every joint. उसके बाद जितने भी शरीर में जोड़ होते सबको अलग कर दिया. हाथ को यहाँ से अलग कर दिया, टांगों को यहाँ से अलग कर दिया. इसके बाद after the process of removing all the body parts, they placed it on the layer of sand. जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक एक अंग को अलग कर लिया, so what they did, they kept the whole body on sand, रेत पे उन्होंने रखा. They kept the parts in a wooden box and placed it at the original place. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितना भी हिस्सा था body parts का सबको एक जगह इकट्ठा किया और उसी एक box में रखा और फिर इसकी original जगह उन्होंने इसको पहुंचा दिया. In January 2009, अब बात आ गई January 2009 की. ये आप ध्यान से सुनेंगे. The body was taken out for a CT scan. अब की बार बॉडी को फिर से बाहर निकाला गया. क्यों निकाला गया, बॉडी का सीटी स्कैन कराया गया. आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जनरली सीटी स्कैन होता है, सब पता चल जाता है शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बॉडी पार्ट कैसे काम कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन, राइट. तो कहते हैं विच टेक्स हंड्रेड ऑफ एक्सरेज, उनके सैकड़ों एक्सरे करे गए, केवल सीटी स्कैन नहीं. एंड जनरेट्स अ 3D इमेज, उनकी इमेज बनाई गई 3D. आजकल तो 4D भी आ रहा है. दैट नाइट आफ्टर द स्कैन द वर्कमैन पास्ड हिज बॉडी फ्रॉम टॉम इनटू अ बॉक्स. उस रात को जितने भी लोग थे वहां पर, कारीगर थे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो बॉडी है उसको उन्होंने लिखा है कि दैट नाइट आफ्टर द स्कैन, जब स्कैन हो गए जितने भी वर्कमैन है, पास्ड हिज बॉडी फ्रॉम द टॉम इनटू अ बॉक्स. तो जो टॉम है, मकबरा है, वहां से उठाकर बॉडी को एक बॉक्स में डाला गया. दे वेंट थ्रू द रैंप एंड स्टेयर्स एंड लिफ्टेड द बॉडी ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर दैट वॉज होल्डिंग द स्कैनर. उन्होंने क्या किया, उस बॉडी को उठाया और एक हाइड्रोलिक ट्रेलर के माध्यम से उठाया, इनकी हेल्प से उठाया. वो सीढ़ियों पर गए, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, वो सीढ़ियों पर भी गए एंड लिफ्टेड द बॉडी, बॉडी को उठाया. इसके बाद दैट वाज होल्डिंग द स्कैनर, इस हाइड्रोलिक जो ट्रेलर, इससे क्या जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था एक स्कैनर. द स्कैनर सडनली स्टॉप. अब वहां पर क्या हुआ, जब वो स्कैन कर रहे थे तो वो स्कैनर अचानक काम करना ही बंद कर दिया. जो चैप्टर है आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो किंग टट की बॉडी है वो एक पहली बॉडी थी जिसका स्कैन किया गया, वो एक पहली बॉडी थी जो कभी स्कैनिंग के लिए गई, एंड ही डाइड एट अ वेरी अर्ली एज. इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब इसका कंक्लूजन क्या हुआ. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी यू विल गेट टू नो कंक्लूजन ऑफ डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. टू कंक्लूड, कंक्लूड मतलब बात को खत्म करते हुए. डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज समरी टेल्स यू दैट Tutankhamun, I repeat, the nickname is King Tut. This is the nickname, also known as Tut. Was a brave ruler, वो एक बहुत ही बहादुर शासक थे. Who of the great Pharaoh dynasty? He belonged to a really very very powerful Pharaoh. Pharaoh means the family of king. He died a mysterious death and is resting in peace in his tomb now. उनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से डेथ हुई और अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी वास्तविक जगह वो आराम कर रहे हैं. सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यू लर्न अबाउट द कैरेक्टर्स, यू लर्न अबाउट द समरी, यू लर्न अबाउट द थीम, यू लर्न अबाउट ए आर विलियम्स.
सो दिस चैप्टर विल हेल्प यू अ लॉट बेटा. बाकी का हम पढ़ेंगे इसके अगले हिस्से में. वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चन आंसर्स, वी विल स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.